मेरे प्यारे देशवासियों सही अप्रोच से सकारात्मक अप्रोच से हमेशा आपदा को अवसर में विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती है अभी हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं महिलाओं ने अपने टैलेंट और स्किल के दम पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए हैं बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते यह खूब पॉपुलर हो गए है ये मधुबनी मास एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं आप जानते ही हैं नॉर्थ ईस्ट में बेम्बू यानी बांस कितनी बड़ी मात्रा में होता है अब इसी बांस से त्रिपुरा मणिपुर असम के कारीगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है बाम्बू से आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं और फिर ये बोतलें इको फ्रेंडली भी हैं इन्हें जब बनाते हैं तो बांस को पहले नीम और दूसरे औषधीय पौधों के साथ उबाला जाता है इससे इनमें औषधीय गुण भी आते हैं छोटे छोटे स्थानीय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उदाहरण झारखंड से भी मिलता है झारखंड के बिशनपुर में इन दिनों तीस से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं लेमन ग्रास चार महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है इसकी आजकल काफी मांग भी है मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ दोनों ही एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ हटकर के काम कर रहे हैं एक है लद्दाख और दूसरा है कच्छ लेह और लद्दाख का नाम सामने आते ही खूबसूरत वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं ताजी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं वहीं कच्छ का जिक्र होते ही रेगिस्तान दूर दूर तक रेगिस्तान कहीं पेड़ पौधा भी नजर ना आए ये सब हमारे सामने आ जाता है लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकोट, यानी खुबानी है ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन मौसम की मार जैसे अनेक चुनौतियों से यह जूझता रहता है इसकी कम से कम बर्बादी हो इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है एक ड्यूएल सिस्टम है जिसका नाम है सोलार एप्रिकोट ड्रायर एंड स्पेस हीटर यह खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सूखा सकता है और वो भी हाइजीनिक तरीके से पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी दूसरी ओर आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े यही तो आत्मनिर्भरता की बात है साथियों जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं इनोवेटिव सोचते हैं तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए पहले सामान्य नौकरी करते थे एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पल्स की खेती करेंगे उनके क्षेत्र में लोगों के इस बारे में बहुत पता नहीं था लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं उन्होंने मुजफ्फरपुर बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल cool गए